क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल? आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये है नमस्कार। एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं रवि। वक्त हो चला है टॉप 10 खबरों का, तो आइए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरों का सफर। बिहार कैबिनेट के विस्तार को लेकर चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच 50-50 के फॉर्मूले पर बात बन गई है और खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। साथ ही राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले 12 एमएलसी के नाम पर भी मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही कमेटी, आयोग व जिला बीस सूत्री के खाली पदों को भी भर दिया जाएगा। 16 नवम्बर को नई सरकार का गठन हुआ तो माना जा रहा था कि विधानसभा में बहुमत साबित होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। इसके संकेत बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के नेताओं की ओर से मिल रहे थे। बिहार में किसान आंदोलन के समर्थन में अब मानव श्रृंखला बनाया जाएगा। माले ने मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। महागठबंधन दलों को भी मानव श्रृंखला में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। माले नेता कुमार परवेज ने कहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारे राजभवन मार्च ने बता दिया है कि किसान नए कानून के खिलाफ हैं। 25 जनवरी को हम मानव श्रृंखला बनाकर किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। वहीं राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूल आज से खुल गए हैं। वैसे स्कूल जहां क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई होती है, वहां कुछ पाबंदी के साथ आज से शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति मिली है। 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ स्कूल और कॉलेज को खोलने की इजाज़त है। इसके साथ ही स्कूल आने के समय अभिभावक की सहमति भी जरूरी होगी। पिछले महीने ही बिहार सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। 18 जनवरी के बाद प्राइमरी स्कूल खोलने पर भी विचार हो सकता है, जबकि कुछ बड़े निजी स्कूलों को सिर्फ परीक्षा देने के लिए छात्रों को बुलाया जाएगा। और अब खबरें आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि भोजपुर जिले में आजकल अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। ताजा मामला भोजपुर जिले के गजराजगंज थाना ओपी क्षेत्र का है, जहां देर शाम युवक को लूटपाट के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद ही मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। हम रोकते नहीं गाड़ी सर, वो बोला कि रोको 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 रोको। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग आ रहे थे नवादा बहन से। अच्छा, कहाँ गए थे नवादा बहन? नवादा बहन दीदी का घर हुआ, जीजाजी कुछ दिन पहले शहीद हुए थे, तो उन्हीं के काम से हम वहाँ गए हुए थे। अच्छा, तो सर आ रहे थे इधर दोस्त का सबसे, ये साथ में आ रहे थे मार्केट में। कहाँ घटना? कहाँ पर घटना हुआ? हाँ, घटना कहाँ पर हुआ? सर चना मोड़ से पीछे हुआ। वो लोग पची से थे मारने वाले? और पाची से थे एक, और एक और गाड़ी था सर। क्या बोले? क्या पाची बोले कि इसको पहले मार और फिर पहले से कब पैसा छीन और मोबाइल छीन इसका। तो मार छीनने के अथी से मारा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, दीपक कुमार सर। दुश्मनी उसमें तो किसी से नहीं था सर? दुश्मनी कुछ नहीं था। पैसा तो छीन लिया होगा? पैसा तो छीन लिया है लोग। हाँ, पैसा छीन लिया सर और मोबाइल छीन लिया। कितना पैसा था सर? पैसा था वही 2000 रुपए के लगभग था। आप अकेले थे? आप अकेले थे? आप अकेले थे? हम थे, दो लड़का और था। उन लोग को नहीं लगाया ना? नहीं। कहाँ घर आपका? उन लोग कहाँ घर है? मेरा गाँव रूपस महाजी पटना जिला। आरा में रहते है क्या? आरा में रहते नहीं सर, बहन के बोले नहीं शहीद हुए थे जियाजी, तो उसमें आए। आरा में? आरा किस लिए आए थे आप? आरा आ रहे थे सर यहाँ पे काम से सर, ऐसे ही मार्केट आ रहे थे सर। अच्छा ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। दीपक कुमार। खबर समस्तीपुर से है, जहां समस्तीपुर में भी अपराधियों का तांडव देखने को मिला। दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के घाट नवादा इलाके में अपराधियों ने होटल व्यवसायी को गोली मार दी। बाइक पर सवार 3 की संख्या में आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जाते जाते अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से कई राउंड हवाई फायरिंग भी की। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया है। इधर जख्मी को गंभीर स्थिति में अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। से आ रहे थे दोनों घर के लिए, बस कोने पे ही बाइक से पीछे से बाइक आया, फायरिंग शुरू कर दिया। हम लोग उसको ध्यान नहीं दे पाए, भैया गिर गए, हम भी गिर गए।
उसका वो लोग निकल गया वहाँ से। कितने की संख्या में अपराधी थे सर? अंदाज में दो आदमी थे बैठ के। क्या गोली मारी गई है सर? चार और फायरिंग किया है। अगली खबर पटना से है। अपराधी चाहे कितना भी सातिर क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन कानून उसे अपनी गिरफ्त में ले ही लेता है। फर्जी चेक पर फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी खजाने का 11 करोड़ रुपए का चूना लगाने वाला सातिर आखिरकार पटना पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पटना जिला के भू अर्जन पदाधिकारी पंकज पटेल के फर्जी चेक पर जाली हस्ताक्षर किए थे सातिर आरोपी शुभम गुप्ता को गांधी मैदान थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गांधी मैदान थाना क्षेत्र के कोटक महिंद्रा ब्रांच में भू अर्जन पदाधिकारी का सरकारी अकाउंट है, जिसमें गिरफ्तार सातिर ने सेंधमारी करने की पूरी योजना बनाई थी। भू अर्जन पदाधिकारी पंकज पटेल के पुष्टि के बाद फस्ती हस्ताक्षर का खुलासा हो गया है। बैंक मैनेजर के सूझबूझ से 11 करोड़ का सरकारी रुपया चपत लगने से भी बच गया। फिलहाल गांधी मैदान थाना की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर छपरा से है। शहर के मुफसिल थाना क्षेत्र के छपरा जंक्शन स्टेशन से उत्तर जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के समीप बिनटोलिया जाने वाली सड़क पर रविवार की देर शाम एक छात्र को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसे मुफसिल थाने की पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे PMCH पटना रेफर कर दिया। घायल युवक शहर के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के श्यामचक मोहल्ले के निवासी कृष्णा चौधरी का पुत्र ऋषुजीत कुमार चौधरी बताया जाता है। गोली उसके सिर में मारी गई है, उसे 2 गोली लगी है। उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए PMCH पटना रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कर बोला है कि मम्मी हमको 20 गो रुपया दीजिए, हम बर्गर खाने जा रहे हैं। हम उसको 20 गो रुपया दिए हैं, वो बर्गर खाने गया है। उसके 10 मिनट के बाद हम फोन कर रहे थे तो उसका फोन नहीं लगा है, तो मेरा मन बेचैन हो गया है। उसके बाद लगातार हम फोन करते जा रहे हैं, लेकिन फोन का कोई आंसर नहीं आया। उसके बाद उसके डैड के पास क्या पता कौन फोन किया है, पता चला है कि सदर अस्पताल में ऋषुजीत भर्ती है, उसको गोली लगा है। तो किसी को शक है आपको? अर्पण कुमार है, हाँ वही बुला के लेके गया है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के रोपवे पर चढ़ने के दौरान पर्यटकों के बीच हाथापाई और मारपीट की घटना घटी है। दरअसल हुआ यूं कि कुछ पर्यटक रोपवे पर चढ़ने के लिए घंटों लाइन में लगे थे। उसी दौरान एक शख्स घुसकर आगे जाने लगा, जिसे देख लाइन में खड़े पर्यटक आक्रोशित हो गए और दोनों के बीच मारपीट हो गई। मगर बड़ा सवाल यह है कि इस स्थल पर कोई भी पुलिस वाला तैनात नहीं था, जबकि सरकार के द्वारा सभी पर्यटक स्थल पर पुलिस बल की तैनाती के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बावजूद इसके यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी का नहीं होना सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। समस्तीपुर के मंडल कारा में विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है। जेल से अस्पताल ले जाने के दौरान कैदी की मौत हुई। मृतक की पहचान गुरुचरण सिंह के रूप में की गई है। हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी जेल में सजा काट रहा था। बताया जाता है कि तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल उसके परिजनों की इसकी सूचना दे दी गई है। राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाके में सोमवार से आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति 6 जनवरी तक बनी रहेगी। 7 और 8 जनवरी को आसमान से बादल छट जाएंगे। आसमान में 3 दिन तक बादल छाए रहने के बावजूद आम लोगों को दिन में गुनगुनी धूप के साथ ठंड से राहत महसूस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक फिलहाल ठंड बढ़ने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, जो राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। और जो मिनिमम टेम्परेचर है, न्यूनतम तापमान, उसका ट्रेंड इस प्रकार है कि अगले 3-4 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, बट क्योंकि आंशिक बादल छाए हुए हैं उसी कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अभी कुल मिला के ये निष्कर्ष है कि ठंड अभी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है, और जो स्थिति अभी जो चल रही है ठंड की वो 3-4 दिन तक वैसी ही रहेगी। और कुल मिला के ये है कि अभी कोई भी कोल्ड वेव, कोल्ड डे, इस टाइप की कोई भी वार्निंग नहीं है और मौसम साफ है। टॉप 10 न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए HDF न्यूज। नमस्कार।
क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल? आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये है।